स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो so, फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के उर्दू का चैप्टर नंबर सिक्स और सेवन इन दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के बुक में इन दोनों चैप्टर से दिया गया है वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कंप्लीट कराने वाली हूँ तो वीडियो तो काफी इंपॉर्टेंट है और एकदम एक्साइटेड होकर आप लोग स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा कंप्लीट वीडियो को देखिए ताकि हर एक क्वेश्चन का आंसर जब मैं आप लोगों को बताऊंगी हर लाइन को पढ़ पढ़ कर उसका मानी बताऊंगी तो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए ठीक है और वीडियो को लास्ट तक पहुंचते पहुंचते इन दोनों चैप्टर से किसी भी तरह का डाउट आप लोगों के माइंड में ना बचे ठीक है ना तो स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक कर दे फटाफट -फड़ शेयर कर देना है आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर चारों तरफ शेयर कर दें ठीक है चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं हमारे वीडियोज को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट तो फाइनली जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं मुख्तर सवालत से यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं ये उसके बाद से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा ये चैप्टर नंबर सिक्स का है सबसे पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उसके बाद से लॉन्ग टाइप यानी कि तवील सौलात और फिर इसी तरीके से चैप्टर नंबर सेवन का भी हम लोग करेंगे सबसे पहले मुख्तसर सवाल और फिर उसके बाद से तवील सौलात यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तो ये चैप्टर नंबर सिक्स का है मुख्तसर सवाल में सबसे पहला सवाल है कि मुबारक शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है चैप्टर तो आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है आप लोग चैप्टर को ज़रूर पढ़ लें ताकि हर एक क्वेश्चन का आंसर समझने में आप लोग को आसानी हो तो अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो नो डाउट इसका आंसर आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं मुबारक शहजादे को उसके चचा से छुटकारा दिलाने के लिए क्या मशवरे देता है तो देखिए जवाब में लिखा गया है मुबारक

कि सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से कौन सी चीज़ें ख़रीदी तो सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से इत्र नजूर और जो कुछ मलिक सादिक के यहाँ ले जाने के लिए ख़ा मुनासिब समझा वहाँ वो सारा चीज़ जो है ना ख़रीद लेता है मुबारक और फिर मलिक सादिक के पास जाने के लिए रवाना हो जाता है ठीक है तीसरा सवाल है कि सुलेमानी सुरमे की क्या ख़ूबी थी तो सुलेमानी सुरमे की खूबी यह थी कि जब कोई आदमी उस सुरमे को अपने आँखों में एक दो सलाई में लगाता था तो उसको जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती थी जिसमें जिन्नातों और उनके सारे लवाजमात सामने होते थे यहाँ तक के जिन्नात मुतहरिक और सरगर्म नज़र आते थे सुरमा लगाने वाला जिन्नातों से गुफ्तु भी कर सकता था तो ये खूबी थी सुलेमानी सुरमे की कि जो भी व्यक्ति जो भी आदमी उसे लगाता तो वो जिन्नातों की दुनिया को देख सकता था ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर है कि मुबारक मलिक सादिक से किस मकसद के तहत मिलने गया जवाब में लिखा गया है कि मुबारक जो है ना मलिक सादिक से मिलने इस मकसद से गया था कि शहजादे को उसके चचा के जुल्म से निजात दिलाए यानी <clears throat> कि मुबारक जो है जो एक नौकर रहता है वो मलिक सादिक से मिलने के लिए जाता है शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए छुटकारा दिलाने के लिए पहली बात तो यह कि शहजादे के चचा ने उसके बाप का मुल्क हड़प लिया था और उसकी जान मारना चाहता था यानी कि जान लेना चाहता था शहजादे की जान बचाने और उसके बाप का गसब किया हुआ मुल्क उसे वापस दिलाने के लिए गया था मुबारक मलिक सादिक के पास ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव है कि शहजादा फ़कीर की बेटी को देख क्यों बेहोश हो गया तो क्योंकि उसकी बेटी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती को देखकर जो है ना शहजादा बेहोश हो जाता है देखिए लिखा गया है जवाब में कि शहजादा फकीर की बेटी को देख उसके लिए शहजादा फकीर की बेटी को देख इसलिए बेहोश हो गया कि वह तो एक तो वह लड़की नहायत ही हसीन व जमील थी यानी कि यहाँ पर जवाब में लिखा गया है कि शहजादा फकीर की बेटी को देखकर इसलिए बेहोश हो गया कि एक तो लड़की वो लड़की जो थी वो नहायत ही हसीन व जमील थी दूसरी बात यह कि ये वही लड़की थी जिसकी तलाश में मलिक सादिक ने उसे भेजा था जब उसने मलिक सादिक की दी हुई तस्वीर को हाथ में लेकर उस लड़की से मिलाया तो वही लड़की थी जिसकी तलाश में वह सात सालों से दर दर की खाक छान रहा था चुनानचा उसके हुसन व जमाल को देखकर शायद बेहोश हो गया ठीक है ना तो यहाँ पर आई होप आप लोग कोई सवाल का जवाब मिल गया होगा शहजादा फ़कीर की बेटी को देखकर क्यों बेहोश हो गया पहली बात तो ये थी कि वो लड़की बहुत ज़्यादा हसीन व जमील थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और दूसरी बात ये थी कि ये वही लड़की थी जिसको सात सालों से शहजादा जो है ना ढूँढ रहा था और वो डायरेक्ट उसके सामने दिखी और जब मिलाया तस्वीर को तो एकदम तंग और दंग रह गया छठा सवाल है कि मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए यह शर्त रखी कि मेरा भी एक काम है अगर तूने मेरा काम कर दिया और उसमें ज़र्रा बराबर की भी खयानत नहीं किया तो मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा इसके लिए उसने एक लड़की की तस्वीर शहजादे को दी और कहा कि इस तस्वीर की लड़की को ख्वाह जहाँ से भी हो तलाश कर लाओ तब हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे ठीक है ना तो ये मलिक शहजादे की मदद के लिए शर्त रखता है कि सबसे पहले तुम लड़की को ढूंढ कर लाओ तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा सातवां सवाल है कि मलिक सादिक ने शहजादे को किस बात की ताकीद की थी किस बात की धमकी दी थी ये आप लोगों को बताना है तो मलिक सादिक ने शहजादे को इस बात की ताकीद की थी कि मेरा काम को नहाय होशियारी और ईमानदारी के साथ करें चुनाच तू अभी नौखेज लड़का है इसलिए तुझे बार बार ताकद करता हूँ कि जज्बात में आकर कोई खानत ना करना वरना तू आफत में पड़ जाएगा और तुझे मेरी मदद के बजाय बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ेगी तो ये धमकाता है मलिक सादिक शहजादे को कि जो लड़की को ढूंढने के लिए मैं तुम्हें तस्वीर दे रहा हूँ इस लड़की को ढूंढना और हमारा ये काम जो है ना नहायत ईमानदारी के साथ करना इसमें थोड़ा सा भी चलाकी और होशियारी नहीं करना नहीं तो मुझसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा और कोई नहीं होगा तुम आफत में पड़ जाओगे आठवां सवाल है कि फ़कीर ने अशरफी लेकर शहजादे से क्या कहा तो फ़कीर ने अशरफी लेकर शहजादे से कहा कि ए दाता खुदा तेरा भला करे तू शायद तू शायद मुसाफिर है इस मुल्क का बाशिंदा नहीं है किसी ने मुझे एक कौड़ी या लुकमा भी नहीं दिया इस तरह उस फकीर ने शहजादे को बहुत सी दुआएं दे डाली ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है कि पूरे मुल्क में फकीर की बेटी की शोहरत क्यों थी तो पूरे मुल्क में फकीर की बेटी की शोहरत इसलिए हुई कि वह अगरचि फकीर की बेटी थी लेकिन इस कदर खूबसूरत थी कि हुस्न व जमाल में अपना सानी नहीं रखती थी इसके अलावा वह नहाय जो शार और सलीके मंद थी इस तरह उसके व जमाल की शोहरत रफ्तर रफ्ता पूरे मुल्क में फैल गई थी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी ठीक है आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तवील सवाल यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सबसे पहला सवाल है कि शहजादे के सफर का हाल अपनी जुबान में लिखिए अपने भाषा में लिखिए शहजादे किस तरह शहजादा जो है ना वो किस तरह सफर करता है तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि शहजादा चीन के एक बादशाह का बेटा है बादशाह का बेवक्त इंतकाल हो जाता है और शहजादा बेयार व मददगार रह जाता है शहजादे के चचा उसके बाप की हुकूमत पर कब्जा कर लेता है और किसी तरह शहजादे को मार डालने की तदबीर करता है मुबारक जो उसके बाप का पुराना नमक खार है वह तो शहजादे की मदद के लिए उठ खड़ा होता है और जिन्नातों के बादशाह मलिक सादि के पास शहजादे को ले जाता है मलिक शादि शहजादे के वालिद का दोस्त था उससे तोकी थी कि शायद वह शहजादे की कुछ मदद करे एक महीने के तवील सफर के बाद मुबारक शहजादे को साथ लेकर मलिक सादिक के दरबार में पहुँच मलिक सादिक से शहजादे का तारुफ कराता है यानी कि उसका इंट्रोडक्शन कराता है उसके बाद से मलिक सादिक शहजादे की मदद के लिए तैयार हो जाता है लेकिन उसे भी एक माशूका की तलाश है जिसकी तस्वीर शहजादे को देता है और तलाश के लिए कहता है लेकिन वह बार बार शहजादे को माशूक को देख कर न करने की ताकीद करता है क्योंकि वह माशूका मलिक सादिक की अमानत थी सात सालों तक जंगलों और आबादियों की खाक छानने और तवील तलाश के बाद शहजादे को आखिरकार वह माशूका मिल जाती है उस हसीन व जमील माशूका को देखकर शहजादा अपना होश व हवास को बैठता है लेकिन जब मुबारक की कोशिशों से अपने होश व हवास में वापस आता है तो वह माशूका और उसके फकीर बाप के सामने मालिक सादिक, मालिक सादिक का तस्करा नहीं करता नाबीना ना फकीर भी अपनी बेटी की कहानी अलग से बयान करता है और कहता है कि उसके मल उसके मुल्क का शहजादा भी उसकी बेटी के हस्न व जमाल की शोहरत सुनकर उस पर फरिफ्त हो गया और शादी की पेशकश कर दी इस तरह दोनों तरफ से शादी की तैयारियां होने लगती हैं मुख्तसर यह है कि शहजादा तवील सफ़र तय करने के बाद अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच जाता है और उसको मलिक सादिक की गुमशुदा महबूबा हासिल हो जाती है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दूसरा सवाल देखिए कि मुबारक ने शहजादे के लिए कौन सी ख़दम्त अंजाम है जवाब में लिखा गया है कि मुबारक ने शहजादे के लिए गैर मामूली खदम अंजाम है शहजादे के वालिद जब बादशाह हुआ करते थे तो उस वक्त से मुबारक शहजादे के बाप का वफादार खादिम था जब शहजादा के बाप का इंतकाल हो गया और उसके चेचा ने बाप के मुल्क को गसब करके बादशाह बन बैठा और शहजादे को रास्ते से हटाने यानी मार डालने की फ़िक्र करने लगा तो शहजादा उस साजिश से बिल्कुल बेखबर था लेकिन मुबारक बजाहर तो उसके चचा के दरबार में मुलाजिम था लेकिन वो शहजादे के बाप के नम होने की वजह से शहजादा से गहरी हमदर्दी रखता था उसको शहजादे के ख़िलाफ़ साजिश का इल्म हो गया क्योंकि उसने शहजादे के चचा के दरबार में भी अपना असर रसूख बना लिया था चुनाचा बादशाह ने मुबारक से ही शहजादे को ठिकाने लगाने या कत्ल कर देने का मशवरा किया तो उसने नहाय होशियारी से बाज़ाह हमदर्द बनकर बादशाह को मशवरे दिया कि शहजादे को ऐसे कत्ल करने में बदनामी का ख़तरा है इसलिए उसे मैं शिकार के बहाने जंगल में ले जाता हूँ और वहीं उसे ठिकाने लगा दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा बादशाह को यह मशवरा

शहजादे के वालिद का पुराना दोस्त था हो सकता है दोस्ती का लिहाज करते हुए तुम्हारी कोई मदद करे शहजादे ने मुबारक के मशवरे पर सर तस्लीम खम कर दिया और सफ़र के लिए तैयार हो गया मुख्तसर यह है कि मुबारक की वजह से न सिर्फ यह के शहजादे की जान बच गई बल्कि उसका खोया हुआ मुल्क भी उसे वापस मिल गया हालांकि ये तो नहीं बताया गया आप लोग की कहानी में यहाँ पर भले लिख दिया गया है तीसरा सवाल देखिए तीसरा सवाल पूछा गया है कि मीर अमन दहलवी को बाग़ो बहार पर क्यों इनाम मिला जवाब देखिए लिखा गया है कि बाग बहार की तस्नीफ़ पुर मिनट बाग़ो बहार की तस्नीफ़ पर मीर अमन को इसलिए इनाम मिला कि यह ख़ालि हिंदुस्तानी ज़बान में थी उस किताब की अक्सर व बेहतर अल्फाज और अशिलाहत ख़ालिश हिंदुस्तानी थी और हिंदुस्तान के तमाम तबके के लोग उसे पढ़कर अच्छी तरह समझ सकते थे वैसे तो मीर अमन ने बाग बहार के अलावा गंज खूबी के नाम से एक और किताब लिखी गंजे खूबी भी तर्जमा की शक्ल में पेश की गई थी लेकिन उस किताब में बाग बहार वाली कैफियत नहीं थी इसलिए उस किताब को वह पजीराई नहीं हो सकी जो बाग बहार की हुई यहाँ तक कि किसी ने उसे तोज्जह से पढ़ा भी नहीं बाग बहार दरअसल अमीर खुसरो की मशहूर फारसी दास्तान चहार दरवेज़ का उर्दू तरजमा था चार दरवेश का उर्दू तर्जमा दरअसल बाग बहार से कबल मीर हुसैन तहसीन ने नौ तर्ज मुरस्सा के नाम से किया था मीर अमन जब बाग़बहार की तसनीफ कर रहे थे तो उनके पेश नज़र अता हुसैन तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा भी थी बाग बहार की जबान की यह खूबी थी कि यह ठेठ हिंदुस्तानी जबान में थी जिसे उर्दू के लोग मसलन हिंदू मुसलमान औरत मर्द बूढ़े और जवान खास व आम सभी आपस में बोलते थे ज़बान की इस खूबी की वजह से बागो बहार को अवमी सतह पर और इल्मी सतह पर भी गैरमू शहरत व मकबूलियत हासिल हुई जो उस दौर के उस दौर के फॉरट विलियम कॉलेज के ही देगर दास्तानों को हासिल ना हो सकी यही वजह थी कि मीर अमन को बागो बहार की तस्नीफ़ पर मबलिक पाँच सौ रुपये का इनाम मिला था क्वेश्चन नंबर फोर है कि बाग़ बहार हिंदुस्तानी तहजीब व तमदन से मेल खाती है या नहीं वजाहत करें तो मीर अमन की तस्नीफ़ बहार की ज़ुबान इस कदर सादा और रवा है कि हिंदुस्तानी तहजीब व तमदन से पूरी तरह हम यानी कि पूरी तरीके से मेल खाती है इस ज़ुबान की रवानी ही थी कि जैसे ही यह किताब मंजर मन्दर, मंजर आम पर आई उसकी मकबूलीत और शहरत बहुत तेज़ी से फैलने लगी यहाँ तक कि इस किताब की इसी खूबी के वजह से मीर अमन को फॉरट विलियम कॉलेज की तरफ से इनाम भी मिला था मीर अमन के बाग बहार का शुमार उर्दू नसर की मकबूल तरीन किताबों में होता है जो वक्त के गर्द वर्द वार से हमेशा महफूज रही दास्तान के कारी को कब्ज़ा वक़ू में रखने के लिए दास्तान नगार के पास जितने हरबे हुए उन्हें चाहिए मीर अमन ने उन तमाम हरबों बखूबी इस्तेमाल किया और इस फन में मेरे मन बहुत हद तक कामयाब भी रहे आगे लिखा गया है कि बाग बहार के तमाम किस्से गर्चे हिंदुस्तान से बाहर के हैं लेकिन उनके किरदारों का इंतबाव और उनके जुबान हिंदुस्तानी माहौल और पसमंजर से मुतालिक है मेरे मन वाकियात की दिलचस्पी को बाकी रखने के लिए ज़ुबान व बयान और माहौल से कभी गाफिल नहीं होते हैं चुनाचा किरदारों की नशस्त और बर्खास्त आदाब महफुल आवाम व ख्वास के मुजालिस अच्छे और बुरे हालात में काम करने का अंदाज़ उन सब अमूर की पेशकश में मीरमन ने हिंद ईरानी और इस्लामी तहजीब वकाफत के अहवाल को जिस तरह नुमाया तौर पर पेश किया है उस वक्त के वाकयात ख्वा जिस मुल्क के हो लेकिन उसमें हिंदुस्तानी माहौल की झलक ज़रूर मिलती है जो हिंदुस्तानी तहजीब व तमद तो से बिल्कुल हम आहंग है ये फाइनली आंसर हो गया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है कि बाग बहार की नसर की क्या अहमियत है तो उर्दू नसर की तारीख में बाग बहार को लाजवाल तसनीफ़ समझा जाता है और इसके मुसनफ़ मीर अमन दहलवी को उर्दू में सादा नसर नगारी का महजद समझा जाता है यह भी यह हकीकत है कि बाग़ बहार की नसर नगारी और उसकी सादगी व रवानी से उर्दू नसर नगारों को यह तहरीक मिली कि नसर को शायराना हरबू से अलग करके हम उसे आजादाना तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम यह कहें तो बेजा नहीं होगा कि बाग वहार सलेस और रवा नसर नवेसी की अवलिन तजुबा है। मीर अमन ने अरबी व फ़ारसी रिवायात और शायरी के ग़लबा को दरकिनार करते हुए उर्दू नसर को अपने असल बुनियादों पर खड़ा करने का हौसला दिखाया मीर अमन ने रिवायती तौर पर ज़ुबान व अदब की जो तालीम हासिल की थी उससे बहुत सारे मामलों में अख्तलाफ करते हुए यह नया तजर्बा किया तर्जुमा करते वक्त माफी एक मिनट तर्जुमा करते वक्त माफिल ज़मीर की अदायगी में वाकत में ज़रूरी तरमीम व तनसीख की मतरजम की हैसियत से अपना हक़ समझते हैं मुतरदफात और हम मानी अल्फाज का बेदरी इस्तेमाल जमा के साथ जमोल जमा का इस्तेमाल और हम मानी फिक्रों से भवारत को सजाने का अमल असलूबिया सतह पर मीर अमल की बहुत बड़ी खसूसियत है बाग़ो बहार की नसर की गैरमूली अहमियत इसलिए भी है कि मेर अमन के बाद के नसर नगारों ने बागो बहार की नसर को मिसाली नसर का नमूना समझा और गालिब सर सैद और हाली से होते हुए प्रेमचंद तक उर्दू नसर ने सलेस और सादा नसर नगारी को जो फरोक दिया वह सिर्फ़ बागो बहार की नसर की तकली तकलीद करके ही मुमकिन हो सका प्रेमचंद के बाद सादा नसर नगार नसरगोई ने अपने पाँव इस कदर मजबूती से जमा लिए कि फिर किसी को गैर ज़रूरी तौर पर उर्दू नसर में किसी अलाह का ख्याल ही पैदा नहीं हुआ बागो बहार का जेर हिस्सा चौथे दरवे के सैर से माखूज है और इस उर्दू न और उर्दू नसर नगारी में अपना नमूना आप ही है ठीक है ये हो गया आंसर अब सिक्स नंबर क्वेश्चन है हालांकि एक कवायद से यानी यान कि ग्रामर से दर जैल अफाज की जिन्सीत ज़ाहिर करें यानी कि यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं इसका आप लोगों को जिन्स बताना है यानि कि लिंक बताना है कि कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है और कौन सा लफ्ज़ मोनस है यानी कि कौन सा लफ्ज़ स्त्रीलिंग है और कौन सा लफ्ज़ पुलिंग है तो देखिए तदबीर ये एक स्त्रीलिंग है यानी कि मोनस लफ्ज़ है तुम्हारी तदबीर कार हो गई तुम्हारी तदबीर कारगर हो गई ठीक है तो तदबीर क्या है मोनस है अमानत भी मोनस यानी कि स्त्रीलिंग लफ्ज़ है ज़िंदगी खुदा की अमानत है वीरानी भी मोहनस लफ्ज़ है यानी कि स्त्रीलिंग है मुबलिस की ज़िंदगी में वीरानी की कार फरमाई है सीरत भी जो है ना ये भी मोहनस यानी कि स्त्रीलिंग लफ्ज़ है उस किताब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है और बदनामी ये भी मोनस यानी कि स्त्रीलिंग लफ्ज़ है तुम्हारी गलत हरकत से मेरी बहुत बदनामी हुई ठीक है आगे बढ़ते हैं सातवां सवाल है कि मुतरदिफात या हम मानी लफ्ज़ बताइए यानी कि यहाँ पर कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं इसका एक जैसा मानी रखने वाला लफ्ज बताना है जैसे कि बादशाह का एक जैसा मानी रखने वाला लफ्ज है सुल्तान यानी कि बादशाह बोलिए फिर सुल्तान बोलिए बात एक ही है तहकीक का मुतरद होगा तजिया शबिया का मुतरार होगा शकल, पीर का मुर्शिद इल्म का दानिश, नाबीना का अंधा ठीक है आठवां सवाल है कि दरजैल अल्फ़ाज़ के मानी बताएँ यानी कि यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं इसका आप लोगों को मानी बताना है मर्द अजमी का मतलब होता है ईरानी आदमी मुखलसी का मतलब होता है छुटकारा या फिर निजात मुजरम का होता है जुर्म करने वाला महरूम एक मिनट मुहर्रम का होता है राजदार जालिम का जुल्म करने वाला तदबीर का हल या फिर उपाय और बंदिश का पाबंदी दगदगा का अंदेशा या फिर धड़का तो ये हो गया चैप्टर नंबर सिक्स तक का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट यानी कि चैप्टर नंबर सिक्स का हम लोग मुख्तसर क्वेश्चन भी कर लिए और तवील यानी कि तवील सवाल यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर भी कर लिए अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर सेवन का क्वेश्चन आंसर मुख्तसर सवालत से यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से सबसे पहला सवाल है कि पागलों के बाहमी तबादले के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया गया जो पागल थे जितने भी पागल उनको तबादले के लिए ट्रांसफ़र जो करना था उसके लिए कौन सा फार्मूला अपनाया गया ये आप लोगों को बताना है तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि पागलों के बाहमी तबादले के लिए यह फार्मूला अपनाया गया कि इखलाकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए तो ये फार्मूला अपनाया गया था दूसरा सवाल है कि पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर शुरू की तो उस पागल खाने में एक पागल ऐसा था जो हिंदुस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्कर में और भी ज़्यादा पागल हो गया और हर वक्त झाड़ू देने लगा और झाड़ू देते जे, देते एक दिन एक दरख्त पर चढ़ गया यानि कि पेड़ पर चढ़ गया और दरख्त की टहनी पर बैठकर कर दो घंटे तक मुसलसल तकरीरें करता रहा तकरीर का मौजू हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नाजुक मसला था यानी कि किस मसले पर तकरीर करना शुरू कर दिया तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर तकरीर करना शुरू कर दिया सिपाहियों ने उसे नीचे उतारने नीचे उतरने को कहा तो वह और ऊपर चढ़ गया और ज़रा डराया धमकाया गया तो वह बोला ना मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ मैं तो इस दरख्त पर ही रहूँगा ठीक है ये सारी बात है तीसरा सवाल देखिए अपने आप को खुदा कहने वाले पागल से टोबा टेक्सिंग क्यों नाराज़ हो गया तो पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था उससे जब एक रोज़ बिशन सिंह यानी कि टोबा टेक सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या फिर हिंदुस्तान में तो उसने अपने आप को खुदा समझने वाले पागल ने यानी कि वो जो अपने आप को खुदा समझता था पागल उसने हसब आदत को हुकू लगाया और कहा कि टोबा टेक सिंह ना पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में इसलिए कि मैंने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया बिशन सिंह ने उसे नाम नहाद खुदा से कई मरतबा बड़ी मिन्नत समाजद से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट ही ख़त्म हो जाए मगर वह ख़ुद बहुत मसरूफ़ था इसलिए कि उसे और भी बेशुमार हुक्म देने थे इससे तंग आकर भीषण सिंह नाराज़ हो गया यानी कि वो पागल जो अपने आप को खुदा समझता था उससे जाकर भीषण सिंह पूछा कि बताओ टोबा टेक पाकिस्तान में है या फिर हिंदुस्तान में तो वो जो पागल जो खुद को खुदा समझता था वो हंसने लगा और कहने लगा कि टोबा टेक सिंह ना तो पाकिस्तान में है ना ही हिंदुस्तान में क्योंकि मैंने अभी इजाज़त ही नहीं दिया हुक्म ही नहीं दिया कि वो हिंदुस्तान में जाए या फिर पाकिस्तान में जाए तो बिशन सिंह जो है ना खूब मतलब बहुत ज़्यादा मिन्नतें की उस पागल से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि आप हुक्म दे दीजिए ताकि झंझट ही ख़त्म हो जाए पता चल जाए कि टोबर टेक सिंह हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है लेकिन वो जो पागल था जो खुद को खुदा समझता था वो काफ़ी मसरूफ़ था काफ़ी बिजी था और उसको ढेर सारे हुक्म देने थे इसी वजह से तंग आकर जो है ना बिशन सिंह उससे नाराज़ हो गया आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है सवाल नंबर चार कि पागल खाने के वह लोग जिनका जहनी तोज़न बिल्कुल दुरुस्त था किस परेशानी में गिरफ्तार थे तो जवाब में लिखा गया है कि पागल खाने में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका तहज जहनी तोज़न बिल्कुल दुरुस्त था उनकी परेशानी यह थी कि वह लोग बुनियादी तौर पर कातिल थे जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ रिश्वत देकर पागल भिजवा दिया था ताकि वह फांसी की सज़ा से बच जाए या लोग इतना तो समझते थे कि हिंदुस्तान तकसीम हो गया है और पाकिस्तान बन गया है लेकिन अखबार से उनको सही वाक़ात का इल्म नहीं हो पाता था पाकिस्तान कहाँ है उसका महल महलवकू कहाँ है उसका इल्म उनको नहीं था ठीक है या यह कि वह हिंदुस्तान में है या फिर पाकिस्तान में है अगर पाकिस्तान में है तो फिर कुछ दिनों पहले इसी जेल में रहकर हिंदुस्तान में थे या कैसे हो गया मतलब ये भी इसी तरह के सवाल में उलझे हुए थे सवाल नंबर पाँच है कि टोबर टेक्सिंग अपने मुलाकातियों के आने से पहले किस तरह तैयार होता था तो जवाब में लिखा गया है कि टोबा टेक्सिंग अपने मुलाकातियों के आने से पहले तैयार होने का अहतम करता था हर महीने जब उसके रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आते तो उसे पता चल जाता था चुनाचा अपने दफदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है उस दिन वह अच्छी तरह नहाता बदन पर खूब साबुन लगाता और सर में तेल डालकर कंघी करता अपने ऐसे कपड़े जो कभी कभी इस्तेमाल करता हो उस दिन नकलवा कर पहनता और एकदम सच धज कर मिलने वालों के पास जाता और अगर लोग कुछ पूछते तो खामोश रहता या पंजाबी जुबान में कुछ बोल दिया करता था ठीक है तो इस तरह तैयार होता था टोबा टेक सिंह हालांकि टोबर टेक सिंह को दिन तारीख का पता नहीं होता था कि आज कौन सा दिन है कौन सा तारीख़ है लेकिन फिर भी जब इसके रिश्तेदार मिलने के लिए आते थे तो उसको एहसास हो जाता था कि हाँ मेरे रिश्तेदार मिलने के लिए आ रहे हैं आगे बढ़ते हैं तवील सवाल स्टार्ट हो रहा है यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सबसे पहला सवाल है कि टोबा टेक सिंह अफसाने की रोशनी में लाहौर के पागल खाने की तफसील कलमबंद कीजिए जवाब में लिखा गया है तकसम मुल्क के दो तीन सालों के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों हुकूमतों को अचानक यह ख्याल आया कि जिस तरह इखलाकी कैदियों का दोनों मुल्कों में तबादला हुआ है उसी तरह पागलों का भी तबादला कर दिया जाए इस तरह दोनों मुल्कों की आला सतही मीटिंग हुई जिसमें दोनों मुल्कों के अफसरों की तरफ से पागलों के तबादले के लिए एक दिन मुकर्र हो गया और पाकिस्तान में हिंदू सिख पागलों की पुलिस की हिफाजत में सरहद पर पहुँचा दिया गया इधर पाकिस्तान में लाहौर के पागल खाने में जब पागलों के तबादले की खबर पहुँची तो पागलों के दरमियान दिलचस्प जे गोयाँ मच गई एक मुसलमान पागल जो बारह बरस से रोजाना ज़मींदार अखबार पढ़ता था उससे जब उसके दोस्त ने पूछा मौलवी साहब यह पाकिस्तान क्या होता है उस मुसलमान पागल ने बड़े गौर गौरव फिक्र के बाद जवाब दिया हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह जहाँ स्तरे बुनते हैं यह वो पाकिस्तान है यानी कि यह या जवाब सुनकर उसका जो दोस्त है वह मुतमईन भी हो गया कि हाँ हिंदुस्तान में ऐसी जगह जहाँ स्तरे बुनते हैं वही पाकिस्तान है ठीक है एक दिन एक मुसलमान पागल नहाने के दौरान उस रोज पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद किया मतलब कि एक दिन जो मुसलमान पागल था नहाने के दौरान इतनी ज़ोर से नारा बुलंद किया ना पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिर गया और बेहोश हो गया बाज पागल ऐसे भी थे जो दर हकीकत पागल नहीं थे बल्कि उनमें अक्सरीत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसर को कुछ रिश्वत देकर उन्हें पागल खाने में भिजवा दिया था ताकि वह फजा फांसी की सज़ा से महफूज़ रह सके मतलब कुछ पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे उनमें एक पागल ऐसा भी था जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और हिंदुस्तान पाकिस्तान के चक्कर में कुछ इस तरह गिरफ्तार हुआ कि और भी ज़्यादा पागल हो गया और झाड़ू देना शुरू कर दिया और झाड़ू देते डरते एक दरख्त पर चढ़ गया और दरख्त की शाख पर बैठ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर दो घंटे तक लगातार तकरीरें करता रहा बड़ी मुश्किलों से बड़ी मुश्किलों से जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वह नीचे उतर गया और अपने हिंदू और सिख दोस्तों से गले मिलकर रोने लगा इस तरह उस पागल खाने में अनवा एक शाम के पागल जमा हो गए थे बाहर उसकी शक्ल एक चिड़िया की हो गई थी जहाँ तरह तरह के हैवानात भांत भांत की बोलियाँ बोल रहे थे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल पागलों के सियासी शोर को अहाता एहा, तहरीर में लिखी है जेर नजर अफसाना टोबा टेक सिंह में सादत हनमंटू ने लाहौर पागल खाने की कामयाब मंजरकशी की है इस अफसाने का मौजूद दरअसल तकसीम हिंद और क़्याम पाकिस्तान है लाहौर के पागल खाने की मंजरकशी के बैन अस्तूर में पागल को पागलों के सियासी शूर पर भी रोशनी डाली गई है चुनाच पागल खाने के बाद पागलों की गुफ्तु से इस हकीकत का अंदाज़ा होता है कि वह पागल भी सियासी शुरू रखते थे जैसे एक मुसलमान पागल बारह वर्ष बारह साल की तवील मुद्दत से बुलानागा ज़मींदार अखबार पढ़ता था जिससे उसके सियासी शौर की निशानदेही होती है उसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा सरदार जी मैं हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है हमें तो वहाँ की ज़बान नहीं आती दूसरा सरदार मुस्कुराकर बोला मुझे तो हिंदूसुड़ों की बा की बोली आती है यानी कि हिंदू छड़ों की बोली आती है हिंदुस्तानी बड़े शैतान आकड़ आकर फिरते हैं ठीक है एक दिन मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस ज़ोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया एक पागल तो पाकिस्तान व हिंदुस्तान और हिंदुस्तान व पाकिस्तान के चक्कर में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि ज़्यादा ख़तरनाक पागल हो गया फिर झाड़ू देने लगा और झाड़ू देते देते एक दरख्त पर चढ़ गया और दरख्त की टहनी पर बैठ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मौजू पर दो घंटे तक लगातार तकरीरें करता रहा जब सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो और भी ज्यादा ऊपर चढ़ गया बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा ठंड पड़ा तो दरख्त से नीचे उतर पड़ा और अपने सिख दोस्तों को हिंदू व सिख दोस्तों को गले मिलकर खूब रोया और इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वह सब उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे इससे साबित होता है कि लाहौर के पागलों के अंदर भी सियासी शूर बेदार था तीसरा सवाल देखिए टोबा टेक्सिंग के कर्व को अपने अल्फाज में बयान कीजिए जवाब में लिखा गया है कि जेर निसाब अफसाना टोबा टेक्सिंग में लफ्ज़ टोबा टेक्सिंग अलामाती तौर पर इस्तेमाल किया गया है टोबा टेक्सिंग हिंदुस्तानी पंजाब में एक गांव का नाम था वहीं का रहने वाला एक सिख था जिसका नाम बिशन सिंह था उसे लोग टोबा टेक्सिंग कहते थे बिशन सिंह अपना गाँव और रिश्तेदारों की याद बार बार आती थी उसको ख़ास तौर से उसकी बहन रूप कौर जो उससे बिछड़ गई थी और अपने ख़ानदान और बहन की जुदाई के कर्म में वह सोच सोच कर और भी ज़्यादा पागल हो गया था और उस वक्त लाहौर के पागल खाने में पंद्रह सालों से रह रहा था पागल खाने में हर वक्त उसके ज़ुबान से यह अजीब व ग़रीब अल्फा सुनाई देती थी वो कौन सी अल्फाज थी तो वो अल्फाज थी ऊपर दी गुड़गुड़ गुड़ दी एंकस दी बेदनिया दी मंग दाल ऑफ़ पाकिस्तान गवर्नमेंट ठीक है लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ़ दी टोबा टेक्सिंग गवर्नमेंट ने ले ली वह पागलों से हर वक्त यही पूछता रहता था कि टोबा टेक्सिंग कहाँ है जहाँ का वह रहने वाला है लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वह पाकिस्तान में है या फिर हिंदुस्तान में भीशन सिंह या टोबा सिंह कभी सोता नहीं था यहाँ तक कि जेल के पहरेदारों का कहना था कि पंद्रह सालों से सोना तो दूर वह लेटा भी नहीं था कभी कभी किसी दीवार से टेक लगाकर वही अजीब व ग़रीब अल्फाज दोहराने लगता था ऊपर दी गुड़गुड़ी दीदी लालटेन या फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट या फिर टोबा सिंह गवर्नमेंट वह नहाता भी नहीं था मतलब नहाता भी बहुत कम ही था इसलिए उसकी दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे ठीक है गांव और अपनों से जुदाई ही उसका जाति कर्ब था जिस कर्ब में बिशन सिंह पागल हो गया था और टोबा टेक्सिंग उसके लिए कर्ब की लामत बन चुका था ठीक है ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर फोर है कि तकसीम मुल्क से कौन कौन सी उलझने पैदा हो गई टोबा टैक्सिंग अफसाने की रोशनी में बयान कीजिए यानी कि हिंदुस्तान मुल्क यानी कि जो भारत देश है जब इसका बंटवारा हुआ तो कौन कौन सी उलझने आई ये टोबा टैक्सिंग अफसाना इस कहानी के जरिए मतलब इस कहानी की रोशनी में आप लोगों को बताना है जवाब में लिखा गया है कि मुल्क की तकसीम से अनवा अकसाम की सियासी समाजी व इकत उलझने पैदा हुई मसलन यह के मुल्क की बड़ी आबादी का एक मुल्क से दूसरे मुल्क तबादला हो हो हालांकि फसादात की परेशानी जो हिंद हिंदू मुस्लिम कौमें हज़ारों साल से एक साथ रहती आई थी उनके दरमियान नफरत की दीवारें खड़ी की गई जर नसाब अफसाना टोबा टेक्सिंग दरअसल उसी पस मंज़र में लिखा गया है टोबा सिंह अफसाने की यूँ तो कई पहलू हैं लेकिन मरकजी पहलू तकसीम मुल्क की उलझने हैं अफसाना में इसी नुक्ता को मरकज़ बनाकर दो बातों की तरफ अलामाती तौर पर तोजा दिया गया है पागल खाने में पहली किस्म उन पागल पागलों की है जो अपने नफा नुकसान का सीधा हिसाब लगा रहे हैं मसलन हिंदू वकील साहब अपनी माशोका से बिछड़ने के गम में पागल हो गए हैं लेकिन अपनी माशूका के वतन अमृतसर के बजाय लाहौर में रहने की ख्वाहिशमंद है उसकी वजह से यह कि अमृतसर में उनकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी यहाँ मोहब्बत पर दौलत भारी पड़ रहा पड़ती है उसकी दूसरी मिसाल हम दो एंग्लो इंडियन पागलों में देख सकते हैं उनकी फ़िक्र अपने ब्रेकफास्ट को लेकर उन्हें ल, ब, उनके ब्रेकफास्ट को लेकर हैं उन्हें बल्डी इंडियन चपाती नहीं चाहिए ठीक है पागलों की दूसरी जमात में वह लोग हैं जिन्हें अपना वतन अजीज़ है टोबा टेक सिंह का शुमार ऐसे ही लोगों में होता है टोबा टेक सिंह के घर वाले और रिश्तेदार दोनों रिश्तेदार हिंदुस्तान जा चुके हैं और सरहद पर पागलों के बाहमी तबादले का मौका है लेकिन एक पागल टोबा टेक सिंह का जहन व दिल सियासी तकसीम को कबूल नहीं कर पाता है और दोनों मुल्कों के दरमियान हिस्से में दम तोड़ देता है नो मैंस लैंड यानी कि जहाँ वह वह ज़मीन जो ना तो हिंदुस्तान की थी ना पाकिस्तान की वहाँ पर टोबा सिंह का इंतकाल हो जाता है और इसी मफाद की जंग में वहसियों ने न जाने कौन कौन से मुजालिम ढाए लेकिन दो मुख्तलफ़ कौम से ताल्लुक़ रखने वालों की मोहब्बत में कमी नहीं आई फ़जल्दीन और टोबा सिंह की मुलाकात तो तकसीम मुल्क की उलझनों के पस मंज़र में ही देखना चाहिए तो so फाइनली यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ के उर्दू का चैप्टर नंबर सिक्स और सेवन दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा हो सकेगा तो अगले वीडियो में मैं इस डाउट को क्लियर कर दूँ बाकी जो कुछ भी समझाया गया है अगर आप लोग को समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दे और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग को शेयर करना है अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के बाद जितने भी आप लोग के रिश्तेदार हैं चाहो तो आप शेयर कर दी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़